एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक कलेक्टिव शॉपिंग हॉल शेयर करने वाली हूँ। सो ये ड्रेसेस का नहीं है, बैग्स का नहीं है, शूज़ का नहीं है, ये थोड़ा मिक्स होने वाला है। कुछ कुछ चीज़ें मैंने ली हैं अमेजन से। सो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट क्विकली मैं आपको ये बताऊंगी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिलीजियसली हर 2 months या 3 months में जैसे ही वो खत्म हो जाते हैं मैं उनको लेती ही लेती हूँ। सो मेरा जो ये कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर है ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, एकदम थोड़ा सा बचा हुआ है। सो आई गॉट अनदर बॉटल अगेन कामा आयुर्वेदा का, ये है। तो मैं इनको यूज करती हूँ लाइक जस्ट टू स्पेशली इन समर्स, तो मतलब मैंडेटरी है ये। भोपाल में थी तब तक तो यही बॉटल मैंने 8 महीने चला ली, बट यहाँ पर तो बहुत मैंडेटरी होती है क्योंकि फेस वॉश करने के बाद यही लगाते हैं, रात में सोने से पहले यही लगाते हैं, फेस मास्क लगाते हैं तो ही ये लगाते हैं। सो दिस इज माई फेवरेट रोज वाटर स्प्रे। उसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट मैंने लिया है वो लिया है ये ज्वेलरी बॉक्स। एक ऐसा ज्वेलरी बॉक्स चाहिए था जिसमें मैं अपनी डे टू डे वेयर की ना ऐसी डेंटी चीजें रख सकूँ। सो आई रियली लाइक दिस वन, मैंने सोचा देखती हूँ मंगवा करके अगर मुझे सही लगेगा तो मैं रखूंगी, अदरवाइज आई विल रिटर्न इट। एंड मुझे लिटरली इतना ज्यादा पसंद आया है, मैं लास्ट आई थिंक 1 month और 2 months इसको यूज कर रही हूं, मेरी सारी ज्वेलरी इसके अंदर आ जाती है। आप इवन इस तरीके का बॉक्स अपने ज्वेलरी रख के अपने लॉकर में भी रख सकते हैं, बिकॉज सब कुछ ना एक जगह पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। मैं इसको आपको ओपन करके बताती हूँ। तो ये ना यहाँ से ऐसे ओपन होता है। कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको अपनी ज्वेलरी हैंग करके बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ना ऐसे अपनी चेन्स को हैंग कर सकते हैं। यू कैन हैव टू जस्ट यहाँ से आप इसको ऐसे ओपन करिए और आपकी जो चेन है वो निकालिए और यहीं पर आप हैंग कर दीजिए और इसको ऐसे बंद कर दीजिए और यहाँ पर अंदर ऐसे अटका दीजिए। ये होता है ना कि आपको यहाँ पर आपकी जो चेन है वो फंसेगी नहीं और बहुत अच्छे से इसके अंदर ऑर्गेनाइज रहती है। सो चेन, मंगलसूत्र, हैंड ब्रेसलेट, बहुत जो भी ऐसी लटकने वाली चीज़ें हैं वो आप इसमें लगा सकते हो। देन आपको यहाँ दिख ही गया होगा काफ़ी सारे स्क्रूज दिख रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली मेरे जो ईयर रिंग्स है उसका सेक्शन है। आपको आपकी रिंग्स रखनी होती है, तो मेरे पास जितनी भी रिंग्स हैं, सारी तो मैं नहीं लेकर के आई हूँ यहाँ पर, आधी मैंने अपने घर में लॉकर में रख रखी है, कुछ ही जो मैं पहनती हूँ थोड़ी बहुत वो मैं लेकर के आई हूँ। तो वो सब रिंग्स यहाँ पर बहुत आराम से आ जाती है। इवन जो थोड़ी ब्रॉड रिंग भी होती है ना वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, दिस इज द पतला रिंग जो कि आराम से यहाँ पर स्टक हो जाएगा, एंड दिस इज अ थोड़ा थिक एंड ब्रॉड रिंग, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको स्टक करके बताती हूँ। यस, यू कैन आराम से स्टक ऑल योर रिंग्स इन दिस। आप यहाँ पर अपनी जो एक्सपेंसिव वॉचेज हैं वो रख सकते हैं। आप चाहे, मैं यहाँ पे बिछिया रखती हूँ अपनी, मेरे पास एक छोटी सी बॉक्स है जिसमें मेरी बिछिया जो मैं पहनती हूँ, जो मैं टो रिंग्स पहनती हूँ, बिछिया रिंग को बोलते हैं, मैं वो रखती हूँ। यहाँ पर आप अपने ब्रेसलेट्स रख सकते हो, पेंडेंट्स रख सकते हो। आई विश कि इसमें कुछ पेंडेंट की भी चीज़ होती ना तो अमेजिंग होता, ये एकदम परफेक्ट होता। रियली रियली लव देम। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस बेल्ट। मैंने ये बेल्ट मंगवाया है, बहुत ही क्लासी सा बेल्ट है, इसको आप अपने किसी भी ड्रेस के ऊपर पहन सकते हैं। द बेल्ट, ये ऐसा लुक आता है इस बेल्ट का, अमेजिंग है। किसी भी सिंपल से ड्रेस को बहुत ही यू नो स्टाइलिश एंड फन वे में अगर आपको चेंज करना हो, सो यू कैन, यहाँ पर पीछे से इलास्टिक दिया हुआ है। दिस इज द बेल्ट, आप इसको साड़ी में, अपने सूट्स में, अपने ड्रेसेस में, आजकल तो साड़ी पे भी इस तरीके के बेल्ट लगाए जाते हैं, तो आप साड़ी पे भी पहन सकते हैं, आप किसी पे भी पहन सकते हैं, इट्स अमेजिंग। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ड्रेस, ये है 20 ड्रेसेस का, बड़ा ही प्यारा सा ड्रेस। मतलब जब ये आया था ना तब मुझे इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था, अभी आया था ना तो लिटरली मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था तभी मैंने मंगवाया। लेकिन होता है ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी टाइप पे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, सो दिस इज वन ऑफ दोज ड्रेस जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बॉडी टाइप पे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैंने विक्की को बताया तो विक्की बोला ठीक है ये वो ऐसे करके, मैं अभी पहन के आपको दिखाऊंगी, सो डू लेट मी नो कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। होता है कुछ ड्रेसेस आपको वैसे बहुत सुंदर लगते हैं पर आपके बॉडी टाइप पे बहुत अच्छे नहीं लगते आपके ऊपर पहनने पे, सो दैट्स ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं, ये मेरे ऊपर नहीं अच्छा लग रहा है। दिस वन ऑफ द क्यूटेस्ट ड्रेस, अगर ये मेरे पे अच्छी आती तो मुझे लगती, बट ठीक है मैं इसको पहन के दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। अभी मैं पहनी हूँ तो इतनी बुरी भी नहीं लग रही है, शायद मैं उस दिन बहुत ही बुरी हालत में थी इसलिए इतनी बुरी लग रही थी वो ड्रेस मेरे ऊपर। नाउ लुक एट दिस, दिस इज द स्लीव्स, इसका स्लीव्स इस तरीके का है, 4-5 लेयरिंग एकदम ऐसे बेबी वाले नहीं होते, मुझे नहीं लग रहा है कि एम आई लुक लाइक अ किड, जो नहीं होती 6th-7th class की लड़कियां पहनती ऐसे झबले वाले ड्रेसेस में, वैसा तो नहीं लग रहा है ना, क्यूट तो बहुत लग रहा है। यू हैव टमी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू हैव यहाँ पे आर्म फैट, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो दिस इज द ड्रेस, पीछे का नेक बता देती हूँ, अगेन ऐसी स्क्वायर शेप का नेक है। डू लेट मी नो कि कैसा लग रहा है, आई शुड कीप इट और आई शुड रिटर्न इट। नेक्स्ट
what I got is this shoes. मेरी इन shoes के ऊपर नजर थी from last 8 to 9 months, but ये इतने ज़्यादा expensive आ रहे थे, मतलब ये 4,999 मतलब approximately 5,000 के आ रहे थे. और मैं ऐसी, मतलब मेरा एक budget होता है हर चीज़ का, जो handbags है वो, अपने जो शेड्स हैं वो, अपने जो शूज़ एंड फुटवेयर हैं वो, उनमें मुझे कभी भी 5,000 से ऊपर अबव अभी नहीं जाना है, है ना. एक होता है ना, हम जब यहाँ पहुँच जाएंगे तब हम इतना महंगा ये खरीदेंगे. तो अभी मैं उस स्टेट पे हूँ कि मुझे ऐसा वर्थ इट नहीं लगता है फॉर सम रीज़न कि मुझे शेड्स, शूज़ एंड बैग्स, इनमें मुझे 5,000 से ऊपर कभी नहीं जाना है. कितना भी ज़्यादा मुझे पसंद आ जाए, मेरी मिनिमम लिमिट है 5,000 रुपये. ऑल दो ये 5,000 के अंदर आ रहे थे, वॉज वेटिंग कि कोई बड़ा मेगा सेल आएगा तब मैं इनको परचेस करूंगी. होली के टाइम पे सेल आया था बट मेरा साइज अवेलेबल नहीं था. मेरे पास मेल आया बिकॉज मैंने इनको विशलिस्ट में डाल के रखा था और प्राइस ड्रॉप का मेरे पास मेल आया एंड मेरा साइज अवेलेबल था, सिर्फ मेरा ही साइज अवेलेबल था. और जैसे ही मेरे पास मेल आया भाई, मैं तो कूद पड़ी थी. यू बिलीव दिस, मुझे ये कितने में मिले हैं? मुझे ये मिले हैं 2500 में. दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. इनको राइडर शूज बोलते हैं. 3,000 से इनका प्राइस स्टार्ट होता है बट आई गॉट इट इन 2500 विच इज अमेजिंग डील. आई एम अ पूमा, प्यूमा जो भी बोलते हो यार, कुछ लोग इसको प्यूमा बोलते हैं, कोई पूमा बोलता है. सो आई एम अ पूमा लवर एंड सबसे फर्स्ट जो मेरे शूज थे एवर फिट शूज जो पूमा के हैं, सॉफ्ट फोम वाले, एंड ये भी बहुत टाइम से मेरे पास चल रहे हैं, काफ़ी गंदे हो रहे हैं अभी, रियली सॉरी, अभी वॉश करना है मुझे. व्हाइट कलर के हैं तो इनको भी मैंने भयंकर तरीके से रगड़ा है एंड अभी भी बिल्कुल एज इट इज़ नए रखे. मैं वॉश करूँगी एकदम नए हो जाएंगे, बहुत कंफर्टेबल हैं. एंड दूसरे जो मेरे पास शूज़ हैं वो ये हैं, दे लुक सो स्मार्ट एंड क्लासी. ये भी सॉफ्ट फोम वाले हैं एंड ये थोड़े एक्सपेंसिव थे, 3,500 कुछ के थे, बट अमेजिंग अमेजिंग इनका कंफर्ट है, बहुत सही है. और नेक्स्ट जो मैंने लिया है, तो मेरे पास ऐसे बेसिक कलर भी है, ब्लैक है और वाइट है. इन केस अगर आप, मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई इस तरीके के शूज लेना चाह रहे हैं ना, तो ट्राई टू गो फॉर अ न्यूट्रल कलर फर्स्ट, क्योंकि ये वर्सेटाइल शूज हो गए. पिक्चर मैंने ना अभी जब मैं पेपर फ्राई के इवेंट पे गई थी तो आई पोस्टेड अ पिक्चर इंस्टाग्राम पे, एंड व्हेनेवर आई पोस्ट अ पिक्चर आई गेट लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन माय ड्रेस का डिटेल्स, मेरा जो शूज पहनी हूँ. तो वो उसमें मैं यही वाले शूज पहनी हुई थी एंड जो हैंडबैग मैंने कैरी किया था वो ये हैंडबैग कैरी किया था, और जो ड्रेस पहना था वो आप मेरे अमेजन माय हॉल स्टोर में जाकर के देख सकते हैं, आपको वो ड्रेस का लिंक भी मिल जाएगा. दैट वॉज फ्रॉम वेरोमोडा और बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मुझे मिली थी. सो दिस वॉज द बैग जो मैं कैरी करी हुई थी, ये मैंने 1 साल पहले मंगवाया था. आई एम थिंकिंग कि शायद या तो मैंने अमेजन से मंगवाया या मैंने किसी और शॉपिंग वेबसाइट से मंगवाया, ऐप से मंगवाया, बट मोस्टली शायद मुझे लग रहा है शायद अमेजन से मंगवाया, और मैंने ये दिखाया भी था अपने किसी वीडियो में. तो ये है, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड एलन सोली. बहुत ही प्यारा सा एक चार्म लगा हुआ है विच आई रियली लाइक, मतलब जो परफेक्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड के टिंट्स होने चाहिए ना, उस वो यहाँ पर दिया हुआ है. एंड ये काफ़ी अच्छा सा एक स्लिंग बैग है, स्ट्रक्चर्ड बैग है. दिस इज़ माई फर्स्ट एवर स्ट्रक्चर्ड बैग. या नीचे बहुत ही प्यारा सा इसमें चार नट्स दिए हुए हैं सो दैट यू कैन कीप योर बैग एज इट इज़, लुड़केगा पुड़केगा नहीं. और यहाँ पर पीछे एक इन्होंने जिप दिया हुआ है, सिंगल यहाँ पर स्पेस है, छोटा मोटा मेरा सामान रखा हुआ है, बीच में कोई पार्टीशन नहीं है. और इसके अंदर एक ये भी आता है, दिस इज ऑल्सो अ चार्म, यू कैन हैंग इट ऑन योर बैग, आप बैग के ऊपर ऐसे चार्म हैंग कर सकते हो. ये भी दिया हुआ है, इसको आप जब ओपन करोगे ना सो यू गेट अ नाइस मिरर हियर, तो आप अपना मेकअप वेकअप, लिप बाम, लिपस्टिक या आप अपना कॉम्पैक्ट रख सकते हो, इट्स दैट ग्रेट. मैं इसका लिंक अगर मुझे मिल जाएगा तो आई डेफिनेटली गोइंग टू पुट इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी. नहीं मिलेगा तो मैं मिलता जुलता कुछ बैग का लिंक डाल दूंगी, लेट्स सी, देखते हैं. क्योंकि यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.